देश के चुनिंदा वीआईपी क्षेत्रों में एक है गुजरात का गांधीनगर चुनाव क्षेत्र। यहाँ दो दिग्गज आमने सामने हैं, भाजपा के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी और कांग्रेस के टीएन शेषन। शेषन का ये पहला चुनाव है पर वे अपनी चुनौती का एहसास लगातार करा रहे हैं। दूसरी ओर आडवाणी भी इस क्षेत्र के लिए नए नहीं है और अब वो पूरे फॉर्म में। आडवाणी वाजपेयी सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांग रहे हैं और लोग उनकी बात पूरी गंभीरता से सुन रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी को 45 साल काम करते देखा है, वाजपेयी जी की सरकार को 15 महीने देखा है और तुलना करिए, उस तुलना के आधार पर अगर आपको संतोष होता है कि इन 15 महीने में वास्तव में वाजपेयी जी ने शासन इस प्रकार से चलाया है जिसके कारण उनको पूरा जनादेश देना उपयुक्त होगा, तो आप निर्णय करें। 1989 से ही गांधीनगर सीट भाजपा के पास रही है। इस हाई प्रोफाइल सीट से आडवाणी के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस की टिकट पर फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना तक चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इस बार टीएन शेषन ने आडवाणी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चुनाव आयुक्त के रूप में एक समय राजनीतिज्ञों को थर्राने वाले शेषन नई भूमिका में मतदाताओं के सामने हैं। शेषन सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। फंडामेंटलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इनटू हिंदू पॉलिटिक्स एंड मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड क्रिश्चियन पॉलिटिक्स और एंटी हिंदू, हिंदू मुसलमान ईसाई सभी धर्म सांप्रदायिकता की चपेट में और समाज को सबसे ज्यादा नुकसान इसी से हो रहा है। इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर ही लड़ा जा सकता है। ग्रेटेस्ट नेशनल इश्यू। आडवाणी के मुकाबले टीएन शेषन की उम्मीदवारी से मतदाता काफी उत्साहित और उत्सुक है, लेकिन आडवाणी का प्रभाव मंडल भी कम नहीं है। आडवाणी से तो शेषन अच्छा है, हाँ वो आदमी की दृष्टि से तो देखा जाए तो वही एकदम नीट एंड क्लीन आदमी है। ये लोग तो सिर्फ बातें करते और चले जाते हैं। आडवाणी का कार्य ऐसा है और वो भाजपा में और कांग्रेस में है। कांग्रेस में जो शेषन हुआ है वो पार्टी बदल के आया है, वो पहले शिवसेना में हुआ था और अभी कांग्रेस में खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर गांधीनगर में मुकाबला रोचक है। कांग्रेस ने टीएन शेषन को यहां उतार कर आडवाणी को घेरने की कोशिश की है और इसमें उसे सफलता भी मिली है। दो बार सांसद रहने के बावजूद आडवाणी को अपना काफी वक्त यहां देना पड़ रहा है।